أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. मज्ज़ सामीन व सामियात आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो बेंगलोर दुरुस के हमारे अहबाब ने मुनाकिद किया है अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने पहला खिताब शेख अबू जैद जमीर हफिज़हुल्लाह का समात फरमाया उन्होंने आपको बताया कि शरीय नुक्ते नज़र से हसूल रिज़्क के असबाब क्या क्या हो सकते हैं रोज़ी के मसाइल रिज़्क के मसाइल हम में से बेशतर उसने दो चार हैं तो शेख मोहतरम ने बहुत सारे ऐसे इसबाब आपको बताए हैं कि जिन मानवी इसबाब को अपना कर रिस्क की मुश्किल का हम जिंदगी में सामना कर सकते हैं और जिन मुकाबला कर सकते हैं और ज़िंदगी की इन दुशारियों से दुशार राहों से और ज़िंदगी की मुश्किलात से ख़ुद को निकाल सकते हैं अब मेरा जो खिताब है आपने उवान देखा और अभी आपने हमारा उन्वान सुना कि चंद जामे दुआएं और उनका मानाओ मफहम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदीस में जहां हमें दुआ करने का हुक्म दिया है वहीं आपने हमें दुआ करने का सलीका भी सिखाया है दुआ करने का तरीका भी बताया है क्या मांगना चाहिए कैसे मांगना चाहिए दुआ के आदाब क्या है यह बहुत ही अहम मौजू है इसलिए कि इंसान बसा औकात दुआ के नाम पर कुछ ऐसी चीजें मांग लेता है जो अंजाम के अतबार से उसके हक़ में बेहतर नहीं होती अल्लाह तला ने कुरान में कहा वैदान इंसान कभी कभार अपनी दुआओं में शर को मांगता है खैर को मांगने की तरह जिस तरह खैर मांगा जाता है भलाई मांगी जाती है इंसान कभी कभार उस तरह अपनी दुआओं में अल्लाह से शर मांग मांगने लगता है हालांकि उसे शूर नहीं होता कि मैं जो मांग रहा हूं, वो मेरे हक में शर है और ऐसा क्यों होता है वक़्यान अल इंसान वजूला इंसान की जल्दबाजी की वजह से इसलिए मोहतरम भाइयों मोहतरम बहनों क्या मांगना चाहिए कैसे क्या मांगना चाहिए कैसे मांगना चाहिए ये सब कुछ सलीका किताबों सुन्नत में हमें बताया गया है तो जब भी अल्लाह से हम मांगना चाहते हैं दुआ के लिए हमारे हाथ उठते हैं तो हमारे और आपके लिए अफजल और बेहतर ये है कि दुआ के वो मसनून कलीमात वो मसनून अल्फाज जो किताबों सुन्नत में आए हैं उन मसनून अल्फाज के साथ मांगे उसमें होगा ये कि दुआ में हमसे गलती नहीं होगी अपने अल्फाज में जब हम मांगते हैं ना गलती कर जाते हम नहीं मांगने की चीज मांग लेते हैं या मांगने के तरीके से नहीं मांगते इसलिए याद रखिए प्यारे नबी से और किताबों सुन्नत में साबित शुदा दो दुआएं हैं पूरी कोशिश करें उके वो दुआएं याद करें और उन्हीं सीगों के जरिए उन्हीं जुमलों के जरिए उन्हीं अल्फाज के जरिए से आप अपने रब से मुनाजात करें मांगें और दुआ करें कुरानी दुआएं तो माशा हमें हम से बहुत सारों को बहुत सारी दुआएं याद होंगी आज मैं कुछ दुआएं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ये सारी वो दुआएं जो अहादीस में आई हैं और बड़ी प्यारी दुआएं हैं हो सकता है उसमें से कोई दुआ जरा लंबी हो बड़ी हो लेकिन बार बार पढ़ने से इन वो दुआएं याद हो जाएंगी और देखिए कि प्यारे नबी सलम ने अल्लाह रब्बुल रब्जत से क्या क्या मांगा है और क्या क्या मांगना चाहिए तो चंद जामे दुआएं मैं आपके सामने आज के इस गुफ्तगु में और आज के इस मुलाकात में मैं पेश करने जा रहा हूं उम्मीद है कि आप बगौर सुनेंगे और इन दुआओं को याद करने की याद रखने की और बच्चों को याद दिलाने की भी आप कोशिश करेंगे इन शह तंदगी में देखो इस्तफार की बड़ी अहमियत है हुक्म है बार बार इस्तफार करने का अब इस्तफार के बहुत सारे सीने हैं अगर आप अस्तफिरल्लह कहते हैं वो भी इस्तफ़ार है अल्लाहम्म फिरली कहते हैं वो भी इस्तफ़ार है रब फिरली कहते हैं वो भी इसतफ़ार है लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफार के कुछ और लंबे सीगे भी बताए हैं استغفار كي کچھ دعائیں ہمیں کتب حدیث میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو ہے ملتی ہیں چناچ ایک دعا ہے پیارے نبی اللہ سے یہ تھے کہتے اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره علانيته وسره کتنی پیاری دعا ہے. اللهم اغفر لي ذنبي كله اي لا मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे सारे गुनाहों से कौन से गुनाह मुराद है उसी की आगे तफसीर है। मैंने छोटा गुनाह किया हो उसे भी माफ कर दे मैंने बड़ा गुनाह किया हो उसे भी माफ कर दे मेरी छोटी गलतियों को भी माफ कर दे मेरी बड़ी गलतियों को भी माफ कर दे व देखिर जो पहला गुना मैंने किया है वो भी माफ़ कर दे और जो आखिरी गुना अब तक मैंने किया है वो भी माफ कर दे अव्वल आखिर माफ हो जाए तो दरमियान के तो माफ है ही अव्वल आखिर आखिर जितने गुना मुझसे हुए हैं माफ कर दे मुझे और जो गुनाह मैंने लोगों के सामने किए हैं उन्हें भी माफ़ कर दे वो सिर्रा और उन गुनाहों को भी माफ कर दे जो मैं लोगों की नजर नजरों से छुप कर मैंने किए हैं तो बड़ी प्यारी दुआ है का एक और वीगा अल्लाह रबुल्जत से मगफरत मांगने का एक और सीगा بيار النبي صلى الله عليه وسلم نهم سكاياه أبكيه تيتي أب اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت كما تلاب اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت अल्लाह मेरे उन गुनाहों को भी माफ कर दे जो मैंने बहुत पहले किए हैं वमा अख़र्त उन गुनाहों को भी माफ कर दे जो मैंने बाद में किए हैं वमा असर उन गुनाहों को भी माफ कर दे मैंने छुपा कर किए हैं वमा आलंत उन गुनाहों को भी माफ कर दे जिन्हें मैंने लोगों की नजरों के सामने किया है वो अंत आलमो भी मिन्नी और कुछ गुना ऐसे हैं जिन्हें करके मैं भूल चुका हूं मुझे याद नहीं पर वो तेरे इल्म में है परवरदिगारा मेरे इन सारे गुनाहों को भी माफ कर दे अंतल अंतल ला मुकदम इल्ला अंत अगले पिछले सारे गुनाहों को तू ही माफ करने वाला है लहत और तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं तेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं याद रखो अल्लाह से मांगते हुए बार बार उसकी और सिफात का हवाला देना चाहिए उसकी वहदानियत का हवाला देना चाहिए यही देखो दुआ खत्म हो रही है ला इला की वहदानियत, उसकी तोहीद। प्यारे नबी सफत वहदानियत के हवाले से अपने रब से जो है बख्शिश मांग रहे हैं माफी मांग रहे हैं और यह सब दुआए प्यारे नबी मकफरत की किया करते थे जबकि आपके अगले पिछले सारे गुना माफ और आप मासूम अनिल खता थे और उसके बावजूद इस्तेफार की मगफरत की इतनी दुआएं आपकी जिंदगी में तो मुझ जैसे और आप जैसे गुनहगारों को आखिर सोचो कि कितनी दुआएं नहीं मांगनी होगी और अपने रब से कितना इस्तगफार नहीं करना होगा इस्तगफार के हवाले से आए हुए सीखे और इस्तगफार के हवाले से आई हुई ये दुआएं अगर हम अपने गुनाहों के शोर के साथ अपनी खताओं के एहसास के साथ और अपनी गलतियों पर नदामत के साथ ये सब दुआएं पढ़ेंगे ना और ये सब दुआएं अल्लाह से मांगेंगे जरूर रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे गुनाहों के धब्बों से पाक कर देगा साफ कर देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने की जो चीजें दुआओं में उसमें से एक बहुत बड़ी चीज है अखलाक किरदार अच्छी आदतें बुरी आदतों से नजात ये सब अल्लाह से मांगना चाहिए

अच्छे अखलाक को अपनाने की तोफ़ी तू ही दे सकता है और बुरे अखलाक को बुरी आदतों को बुरी सिफात को मुझसे फेर दे कि बुरी सिफात और बुरे अखलाक और बुरी आदतों को मुझसे तू ही फेर सकता है क्या आज़ीज़ी है क्या इनकसारी है दुआओं में क... दु... इस दुआ में कैसा तोज़ो है आम तौर पे होता यह है इंसान को अपने अखलाक पे बड़ा नाज हो चलता है अपने कैरेक्टर पे उसे गुरूर हो चलता है नहीं अच्छे अखलाक रखो मगर अच्छे अखलाक का गुरूर ना हो अच्छा अमल रखो मगर अच्छे अमल का गुरूर ना हो वरना याद रखो ये गुनहगार इंसान गुनहगार होगा लेकिन गुनाहों के साथ उसके दिल में ऐसी नदामत होगी जो नदामत उसे रब की नजरों में बख्शिश का मुस्तक बना देगी और एक साहब अखलाक और साहब अमल होगा लेकिन उसके अंदर इतना गुरूर होगा अपने अमल का अपने अखलाक का वो गुरूर उसे जहन्नम रसीद करेगा

मेरे बंदो अगर तुम पर अल्लाह का फजलो करम ना हो तुम में से कभी कोई पाक नहीं हो सकता तुम में से कोई साहेब अखलाक हो नहीं सकता ये रब का फजल है उसका करम है कि जो तुम्हें खुश अखलाक बनाता है साहेब किरदार बनाता है वह सिर्फ अन्य सही आह अल्लाह बुरे अखलाक को मुझसे फेर दे

तुम्हारे इरादे के साथ साथ अल्लाह से तोफीक भी मांगना जरूरी है क्योंकि जब तक तोफीक इलाही शामिल हाल ना हो ना तुम कोई नेकी कर सकते हो न तुम किसी गुना से बच सकते हो लौलावत का मतलब क्या है ला हौला इल्ला ऐ ला हौला इल्ला ऐ ला तेरी मदद के बगैर मैं किसी बुराई से बच नहीं सकता हूं और तेरी मदद के बगैर मैं कोई नेकी भी कर नहीं सकता हूं नेकी करने के लिए तेरी मदद चाहिए और गुनाह से और बुराई से बचने के लिए तेरी तौफीक चाहिए यही तौफीक मांगी गई है इस दुआ में اللهم هدني لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي ليحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت और इसी से एक मिलती जुलती एक और प्यारी दुआ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिखाई, और अभी ख्वाब में सिखाई नबी का ख्वाब वही होता है प्यारे नबी तहजुद पढ़ रहे हैं, तहजुद में आप पर गुद की तारी हो गई और आप ख्वाब देखने लगे आलम-ए-ख़ाब में चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नमाज जारी है आपकी तहज्जुद जारी है और उधर ख़ाब में अल्लाह तबाराक व तआला से हम कलाम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को ये दुआ सिखाई बड़ी प्यारी दुआ है اللهم اني اسالوك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين छोटे-छोटे तीन जुमले फल खैरात अ मैं तुझसे अच्छे कामों के करने की तोफ़ी मांगता हूँ अच्छे काम करने की तोफ़ी दे दे मेरी जिंदगी को अच्छे कामों में मशगूल कर दे मेरे शबोरोस को अच्छे कामों में मशगूल कर दे मेरे लैलो नहार को अच्छे कामों में गुजार दे अल्लाका फेल खैरात वनकर और मुनकर से बचने की तोफ़ी मांगता हूँ जो बुराई है मुझे उससे बचा ले जो शर है मुझे उससे दूर कर दे जो मुनकर है मुझे उससे मुझ और मुनकर में फासिले पैदा कर दे और तीसरी चीज जो मांगी गई बहुत बड़ी चीज है क्या है वह हब्बल मसाकीन अल्लाह गरीबों की मोहब्बत मांगता हूं मिसकिनों की मोहब्बत मांगता हूं मेरे दिल में मिस्कीनों की मोहब्बत डाल दे माशरे के हर गरीब से मुझे मोहब्बत हो माशरे के हर मिसकीन से मुझे मोहब्बत हो अल्लाह अकबर, याद रखिए, अमीरों से सबको मोहब्बत होती है मालदारों से सबको मोहब्बत होती है न सिर्फ होती है लोग उस मोहब्बत का बड़ा इजहार भी करते हैं याद रखो वो मोहब्बत हक में इंसान से नहीं दौलत से होती है रुपये पैसे से होती है वह इंसानियत से मोहब्बत नहीं वह अखलाक से मोहब्बत नहीं वह कैरेक्टर से मोहब्बत नहीं सच्ची मोहब्बत इंसानियत से मोहब्बत जी अखलाक से मोहब्बत ये गरीबों से मोहब्बत करने में है प्यारे नबी ने चीज अल्लाह से मांगी है हुबल मसाकीन। मेरे दिल में मिस्किनों की मोहब्बत डाल दे मिसकिन को अगर मैं देखूं उसे हकीर ना जानूं, गरीब को अगर मैं देखूं हकीर ना समझूं, तो मिसकिन और गरीब पे जब भी मेरी नजर पड़े जज्ब हमदर्दी से मेरा दिल मामूर हो जाए और मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाऊं सोचो हमने कभी दुआ में ये चीज मांगी है गरीबों की मोहब्बत मस्किनों की मोहब्बत अल्लाह अकबर नादारों की मोहब्बत बेवाओं की मोहब्बत यतीमों की मोहब्बत धुटकारे हुए लोगों की मोहब्बत وحب المساكين इसी तरह से हजरत इंसानी जिंदगी में तहारत और पाकी, चाहे वो ज़ाहिर की पाकी हो चाहे वो बातिन की पाकी हो तहारत और पाकिजगी का भी जो है बड़ा किरदार है और मेरे और आपके जाहिर में जो सिफात मतलूब है उसमें से तहारत और पाकिजगी कि हमारा जाहिर भी पाक हो हमारा बातिन भी पाक हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से भी बहुत सारी दुआएं की, फरमाया करते थे और अल्लाह तबारक वाल से जाहिर बातिन की तहारत मांगा करते थे हमारी जो आजा है ना ये आंख ये कान ये जबान ये दिल ये दिमाग आप सोचो हर हर वजू से जुड़े हुए कितने गुना हैं? जबान से जुड़े हुए कितने गुना हैं? आंखों से जुड़े हुए कितने गुना हैं? ये दिल में जो है कितने गुना बसते हैं इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजाव जवारे की पाकीजगी की दुआ फरमाया करते थे क्या है दुआ اللهم طهر قلبي من النفاق، وأملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلبي من النفاق. إلا من النفاق كي بيماني سباكرتي. نفاق بڑا روك ہے बहुत बड़ा मर्ज है बहुत बड़ी बीमारी है निफाक।, मेरे दिल को निफाक, के, के से, निफाक के रोग से और निफाक की बीमारी से पाक कर दे मुनाफत ना हो मेरे अंदर ईमान का चराग बन जाए ईमान की रोशनी से मामूर हो जाए कुछ दिल को पाक कर दे वाल रिया और अल्लाह मेरे अमल को रिया करी से पाक कर दे मैं जो भी अमल करूं थोड़ा हो के, हो के बड़ा उसमें अखलासा फरमा, रियाकारी से से मुझे वलिसानी और मेरी जबान को झूठ पाक कर दे मेरी जबान पे झूठ ना आए मेरी जबान झूठ ना बोले मेरी जबान हमेशा सच्चाई की आदि हो इस जबान से हमेशा सच्चाई निकले मेरी जबान को झूठ से पाक कर दे आई नी मिन और मेरी आंख इसको खियानत से पाक कर दे मैं आंख से कोई खियानत ना करूं मैं आंख से कोई गलत मंजर ना देखू मैं अपनी आंख से किसी को गलत नजर ना देखू मेरी आंख को खियानत से पाक कर देना क्योंकि खियानत से क्यों ताबीर किया जा रहा है जानते हैं आदमी जब किसी पे गलत नजर डालता है किसी औरत पे किसी लड़की पे कोशिश करता है कि उसे ऐसे देखे और ऐसे नजर डाले कि दूसरे लोग इसे ना देखें इसीलिए उसको खियानत से ताबिर किया जा रहा है, इसलिए कहा मेरी आंखों को खियानत से पाक कर देना कचाला चलाफी सुधूर अल्लाह मैं खियनत कर रहा हूं मेरी खियानत को ये मखलूक जाने के ना जाने तू तो जानता है आंखों की खियानत को भी तू जानता है और अलीम बिजात इस सुदूर है इस सीने में इस दिल में क्या बातें छुपी हुई हैं उन सारी बातों को तू जानता है कितनी प्यारी दुआ है अल्लाह तहिर कल भी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया वली मिनल खदिब व आईनी मिनल खियाना फैन का चाल मुखिन और याद रखिए ये मेरी और आपकी जिंदगी उस वक्त तक पाकीजा नहीं हो सकती मेरा और आपका जाहिर बात इन उस वक्त तक पाक नहीं हो सकता जब तक के वो लुकमा पाक ना हो जो लुकमा के सुबह शाम हम खाया करते हैं इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क हलाल की तलब के हवाले से भी हमें दुआ सिखाई अल्लाह मकफिनी बेहाल हरामिक वह अग्नि नी बिफली का मुझे हलाल रोजी से नवाज दे और हलाल रोजी देकर हराम से बेनयाज कर दे मुझे वह अग्नि नी भी फजल और अल्लाह मुझे तू ही दे तू ही नवाज और इतना नवाज कि मैं तेरे सिवा हर मखलूक से बेनयाज हो जाऊं तू ही खालिक है तू ही नवाजने वाला है तेरे ही आगे मैं झुकूंगा तुझी से मांगूंगा और तेरे ही दर का मैं भिखारी बनूंगा किसी मखलूक के दर का भिखारी मुझे ना बना वह अग्नि नी भी फजल का अमन सेवाक अपने इतने फजल से नवाज दे इतने क्रम से नवाज दे कि मैं बेन आज हो जाऊ तेरे फसल को पाकर इसी से मिलती जुलती दुआ ये भी छोटी सी दुआ है माल में बरकत की दुआ कहा कि, मुझे जो कुछ दे रखा है उसमें बरकत दे अल्लाह से माल की कसरत ना मांगो माल में बरकत मांगो हमेशा से माल कसरत से मिले आपको अगर वो बेबरकत हो तो ये कसरत कोई माना नहीं रखती कैसे आया और कैसे चला गया पता भी नहीं चलेगा माल थोड़ा हो मगर बरकत वाला हो तो ये बरकत वाला माल आपको ज़िंदगी में एक हमेशा से एक सरमाए की तरह से आपके साथ लगा रहेगा इसलिए माल की कसरत ना मांगो माल में बरकत मांगो प्यारे नबी ने उसी बरकत की दुआ सिखाई अल्ला बारिफ़ी आतो धनी वन अनी बीमा जखनी अल्लाह जो कुछ तूने मुझे दे रखा है उसमें बरकत नवा बरकत से मुझे नवाज दे और जो कुछ तूने मुझे रिस्क दे रखा है उस किनात भी नसीब कर दे जिस हालत में तूने मुझे रखा है जिस पोजीशन में तूने मुझे रखा है उस पे मैं कुल्ली करूं अपने से बड़ों को अपने से ऊंचों को और अपने से ज्यादा कमाने वालों को ललचाई हुई नजरों से न, मैं ना देखूं। कितनी प्यारी दुआएं यानी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक रखने वाली दुआएं। इसी तरह से हजरात प्यारे नबी वसल्लम जिंदगी में बहुत सारी चीजों से पनाह भी मांगते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिंदगी में बहुत सारी चीजों से पनाह भी मांगनी है किन किन चीजों से आपने पनाह मांगी है बहुत सारी हैं इस हवाले से भी दुआएं एक दो दुआए निक वह फुज निक बहुत अहम दुआ में से हर एक को कुछ ना कुछ नेमत मिली हुई है कोई ना कोई नेमत मिली हुई है कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मुझे किसी नेमत से नहीं नवाजा नहीं हर एक को अल्लाह ने नेमत से नवाजा है। ये और बात है कि हमारी ना शुक्रिया है मेरी ना शुक्रिया है मुझे उन नेमतों का एहसास नहीं है नेमतों का एहसास अगर हो जाए ना तो यूं लगेगा महरूम रहकर भी यूं लगेगा जिंदगी पूरी जैसे नेमतों में गुजर रही हूं तो ये जो नेमतें मिली हुई हैं डरना चाहिए कि कहीं ये नेमत छिन ना जाए

और जिंदगी में जो चैन सुकून है, सर्दीत है, है, की हिफाजत फरमा लेकिन और अल्लाह में इस बात से भी पना चाहता हूं कि तेरी नाराजगी अचानक मेरी जिंदगी में आ जाए हम जिंदगी में एक, कब कौन सी ऐसी गलती कर दे कि अल्लाह का गैजो गजब हम पे नाजिल हो जाए कहा नहीं जा सकता इसलिए होशियार रहना चाहिए चौकन्ना रहना चाहिए ये जो जबान है ना बड़ी खतरनाक ऐसी ज़बान से हम खाते हैं जबान के जरिए से कि अल्लाह के गैसो गजब के मुस्तक बन जाते इसीलिए वो फुजाते निकम तेरी अचानक आने वाली तेरे अचानक आने वाले गुस्से से हम जो है तेरी अचानक आने वाली पकड़ से तेरी पनाह चाहते हैं व जमी सखत और तेरी हर किस्म की नाराजगी से अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं तो फिर से एक बार मैं दुआ दोहरा देता हूं اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك चार और चीजें चार और बातें جنس بيار پیارے صلى الله عليه وسلم نے پناہ مانگی ہے آپ کرتے تھے. اللهم إني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اے اللہ اے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم کے فائدہ نہ علم उसकी शान ही यही है वो जहां होगा जितना होगा साहेब इल्म को फायदा पहुंचाएगा लेकिन कभी कभार मुझ इल्म हासिल करने वाले के अंदर इतनी इतना शर होता है मेरे अंदर इतनी बदमली होती है कि जो इल्म मैंने हासिल किया है उस इल्म का फैज और फायदा दूसरों को पहुंचाना तो दरकिनार उस इल्म का फायदा खुद मेरी अपनी जात को भी नहीं होता है कहा अल्लाह ऐसे इल्म से मुझे बचा ले जो नफा ना देता हो नाफे से मुझे बचा ले वो मिन कल बिल्ला अक्शा और ऐसे दिल से भी मैं पनाह मांगता हूँ जिस दिल में कि खुशु खुशू ना हो जिस दिल में तेरा डर ना हो जो दिल नरम ना होता हो जो दिल पसीजता ना हो जो दिल के झुकना ना जानता हो तेरी अजमतों के आगे तेरी किमरियाई के आगे तेरे कलाम को सुन के जो दिल नरम ना पड़ता हो मैं ऐसे दिल से भी पना चाहता हूँ मिन कल बिल्ला वो मिन नफ्स तशबा और ऐसे नफ्स से भी पना चाहता हूँ जो कि सैर नहीं होता है हमारी बहुत सारी अरमानें होती हैं बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं मगर हमारा मसला ऐसा है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर पे दम निकले। जिंदगी में लंबी लंबी आरजुए लंबी लंबी ख्वाहिशात नहीं रखना है जो मिले जितना मिले उस पर बस करना है इसीलिए प्यारे नबी ने कहा वमिन नफ्स ला तश्बा ऐसा मिजाज ऐसी तबीयत ऐसा नफ्स जो सैर ना होता हो उससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं वो दुआ इन लुस्मा और ऐसी दुआ से भी मैं पना चाहता हूँ कबूल ना हो जो सुनी ना जाए मुझे आपने देखा कितनी प्यारी प्यारी दुआएं है छोटी छोटी दुआएं है सब एक एक शतर अगर लिखेंगे ना मुश्किल से एक एक सतर की एक एक दुआ है लेकिन देखो कि मानी और मफाहिम के समंदर है एक एक दुआ में हम सबको आप सबको कोशिश करनी चाहिए ये बार बार सुनिए बार बार सुनने से ये दुआएं याद हो जाएंगी या शुरू में देख कर लिख कर पढ़िए देख कर पढ़ते रहेंगे बार बार पढ़ने से ये दुआएं याद हो जाएंगी और जब याद हो जाएंगी तो अपनी हर दुआ का हिस्सा बना लीजिए इन दुआओं को प्यारे नबी से आई हुई दुआएँ बेशुमार हैं आज की मुलाकात में मेरे महदूद वक्त में आ, मैं वक्त ने जितनी दुआओं की गुंजाइश रखी मैंने उतनी दुआएँ आपके सामने पेश की इनशा आइंदा किसी और मुलाकात में कुछ और दुआएं लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं आज बस इसी पर इतफा करते हुए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। सबसे पहले मेरे रब का शुक्र है जिसने इस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगु करने की सदत बख्शी फिर बेंगलुरु दुरुस् से जुड़े हुए तमाम ही नौजवानों का भी शुक्रिया जिन्होंने यह प्लेटफॉर्म फरहम किया कि मैं आज आपसे मुखातब हो सकूँ रब्जत हमको मांगने वाला बनाए और सिर्फ उसी से मांगने वाला बनाए उसी के दर का भिकारी बनाए और अल्लाह हर मखलूक से हमें बेनिया امين ثم امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته